लोग लक्ष्मी कौन है? थैंक यू। सरस्वती कौन है? ओ आइए इधर। ओ नमस्ते। ठीक ठीक भाई, बेइज्जती मत कराओ यार। हाँ कोई बात नहीं है। गोपाल फन पार्क एंड रिसोर्ट, सॉरी रिसोर्ट, हाँ रिसोर्ट लिखा जाता है, रिसोर्ट बोला जाता है क्या? गेट पास, ये नेपाली में लिखा हुआ है कुछ, तो उतना समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ओके सर। ये सर जी हमारे, ठीक है, हाथ मिला लीजिएगा। हाँ ये यहाँ के सुरक्षा कर्मी मान सकते हैं। चलिए आइए गाइस। तो एकदम देखिए तड़कता भड़कता सा एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। हम लोग अगर जाएंगे उस समय वहाँ पे कुछ यार तो हम लोग से पैसा मांगेगा वीडियो शूट करने का, ऐसा थोड़ी होता है, बिल देगा। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं हमारा भौकाली टीम, और हम लोग अभी नेपाल जा रहे हैं। नेपाल का एक पार्क है, पार्क का क्या नाम है वो भी आपको आगे जा करके बताएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे। और आप तो इंट्रो में देख लिए कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, जा इसलिए रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हम लोगों का एक वीडियो शूट होने जा रहा है राणा का रोस्ट यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि 15 मिनट का वीडियो बनेगा, कॉमेडी वीडियो बनेगा, आने के बाद आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, तो कैसे वीडियो शूट होगा, क्या सब चीज़ है, रास्ते में क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, कितना हगेंगे, मतलब सॉरी क्या सब करेंगे, सारा चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है, दिखाएंगे भी लाइव। तो आपको पहले टीम से मिलवाते हैं, आइए। हेलो सर, नमस्कार। ये हमारे हैं नीरज जी, मिस्टर नीरज जी, जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे टीम के हैं, सबसे इंट्रोड्यूस एक बार करवाए थे आपको, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अभी फिलहाल करवा देते हैं। और ये हमारे, हेलो सर, क्या बात है जी, गड़िया फाड़ देंगे, गड़िया फाड़ देंगे सब। हाँ और सब बताइए। ये हमारे गार्जियन है मुखिया जी, और ये भी हमारे गार्जियन, दोनों गार्जियन एक गाड़ी में, गार्जियन गार्जियन, ठीक है। इनको हमारे भौकाली टीम का गार्जियन बनाया गया है, और ये इसका नाम क्या है भाई, भूल गए? रंजन, रंजन, हाँ प्रिय रंजन, प्रिय रंजन, तो इनसे मिलवा दिए। इधर मिलिए हमारे सालिम भाई, जो कि हमारे टीम के एक बहुत ही अच्छे खासे रोल निभाते हैं, सो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सालिम भाई क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक है ना, झूठ बोल वाला बात नहीं, ठीक नहीं, है। और इधर आइए पिंटू भैया, बोलिए क्या हाल है? ठीक है। तो गाइस ये हमारे पिंटू भैया, ठीक है, ओ आइए सर इधर। तो गाइस ये हमारे राजा जी, इसका नाम है सौरभ कुमार मंडल उर्फ राजा, ठीक है, और राजा 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 ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंट्रो है हमारा, एकदम बने रही है तेजपाल राणा ब्लॉग के साथ, ठीक। हाँ पिंटू भैया इधर आइए थोड़ा जी। तो इनका इंट्रोडक्शन ये है हमारे पिंटू भैया, इनको तो आप हमेशा ब्लॉग में देखते हैं, इनका गाना ज्यादा फटता है, ठीक है, और फाड़ता भी ज्यादा है, गड़िया फाड़ देंगे, अभी गड़िया फाड़ेगा पार्क में, अभी तो दिखाएंगे आपको, आइए सर कुछ बताइए पब्लिक को, हमारे पब्लिक को क्या। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये हाइट में ज्यादा गड़िया फाड़ता है, ठीक है, तो फंड के लिए था, दिल में ना लेने के लिए। और मेरा नाम हुआ, आप जानते हैं, तेजपाल राणा, टीम लीडर, ओके। और आपको हम मिलवाने जा रहे हैं इधर हमारे, ओ आओ 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 जल्दी आओ। ये है हमारे मिस्टर गोविंद भाई, जो कि हमारे साथ शुरू से हैं ब्लॉग में, जो कि सालिम भाई भी रहते थे, और ये गोविंद जी हैं। इनके पीछे देखिए ये बड़ा बड़ा लामर लामर लटका दिए हैं, ठीक है, और लेके जा रहे हैं अभी पार्क, वहीं पे शूट करेंगे ना, तो, हाँ नामर नामर, तो सारा इधर भौकाली टीम है हम लोग का, ठीक है। तो चलिए इसमें कैमरा वगैरह सेटअप है, ठीक है, सारा चीज, और इसमें कपड़ा वगैरह है, ठीक है। ये पिंटू भैया, हाँ भैया फाड़ देंगे, गड़िया फाड़ देंगे, आगे देखिएगा कैसा गड़िया फाड़ते हैं हम, चलिए ठीक है गोविंद, तेल लगा के। तो गाइस चलिए हम लोग निकलते हैं, एकदम बने रहिए आज की इस ब्लॉग वीडियो में, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, और हम भी भाई मजाक करेंगे, ओके, तो बने रहिए। चलिए रास्ते में जो होगा सारा चीज दिखाएंगे, कंटिन्यू। तो चलिए अभी हम नीरज जी के गाड़ी में बैठ गए हैं, हमारे साथ नीरज जी हैं, ठीक, और पुलवा पार कर रहे हैं। भौकाली टीम जिंदाबाद, लाइक तो बनता है भाई, लाइक लाइक लाइक, चलिए चलते हैं। गाइस इधर हमारा सभी टीम जो है, ठीक है, इधर रुके हुए हैं ये दुकान के पास, क्योंकि अभी नीरज जी हमारा सेविंग करवाएंगे, इनका दाढ़ी काकी शूटिंग के लिए भाई फेस एकदम बना हुआ रहना चाहिए, क्या नीरज जी? हाँ, तो अभी जो है कि सेविंग करवाएंगे यहाँ पे, तो सभी लोग यहाँ रुके हुए हैं, और ये करसिया है, क्या नाम है जगह का, करसिया आटिया, हाँ करसिया में रुके हुए हैं, ठीक है। इधर हमारे नीरज जी देखिए सेविंग कराने के लिए बैठ गए हैं, क्या भाई एकदम तड़कता भड़कता सर, ठीक है, और इधर हम हैं, चलिए बनने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको।
भाई साहब क्या नाम है आपका? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोले? धर्मेंद्र ठाकुर जी। ठीक है, क्या नाम है शॉप का आपका, दुकान का? एस बार बार शॉप। भाई एस बार बार शॉप दुकान का नाम है, ठीक है? ये करसिया बाजार शिव मंदिर के उत्तर साइड में है, ठीक है? और इधर हमारे एक भैया जी यहाँ मिले हैं हमको, ठीक है, जो कि हमारे बिहार से हैं, ठीक है, हम लोग भी बिहार से हैं। और यहाँ पे इनका एक दुकान है, पंकज मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, ठीक है? ये जहाँ भी ये बाल नीरज जी ये बनवाए हैं, सेविंग करवाए हैं, उसी के जस्ट साइड में, करसिया मार्केट के साइड में। और यहाँ भैया जी क्या नाम है? मेरा नाम दीपक। दीपक जी, ठीक है, यही यहाँ के ऑनर हैं, तो अगर कभी आइएगा तो इनसे ज़रूर मिलिएगा, ठीक है? शिव मंदिर के जस्ट उत्तर साइड में है। सबसे बड़ी बात है हमारे बिहार के भाई, लाइक तो बनता है प्लस मिलना भी बनता है, क्या? तो गाइस थोड़ा सा हम लोग जो है कि नाश्ता वास्ता करते हैं, ठीक है? और अभी ये नाश्ता का दुकान में आ गए हैं, ठीक, सभी लोग हैं, भूखे निकले भाई घर से सवेरे। इधर है नाश्ता एकदम। आंटी जी अभी गरम क्या है? गरम कुछ ना है, चना मुरी खा लो सर। चना भुजा है? चना भुजा दे दीजिए। चना भुजा खाओगे भाई? लिट्टी गरम नहीं है। तो इधर मेहमान लोग आ गए हैं, ठीक है? छोड़ दे, कहा हो बरतिया मेहमान, का खेबो? चना मुड़ी खेबो। तो गाइस ये चना मुड़ी खाने से मना कर रहे हैं, ठीक है? सौरभ जी क्या खाइएगा? झंड पकौड़ा। का हो नीरज बाबू, का खिले बो अगरा के? हाँ पिंटू भैया का भाई समझ गए ना आप क्या बोल रहे हो? और इधर तो बहुत ही सही बोला था आपने, दिया छोड़ तो लगा, सही लगा कई तो तीन दिन का चलते तालाब दिखा देते। और इधर आ गया है गोविंद जी के सामने भी, ठीक है? गोविंद जी टेस्ट करके बताइए भाई। हो गया पूरा खाया भैया। भैया टेस्ट कैसा लग रहा है नेपाल का? लाजवाब है, लाजवाब है ना? बेटर 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 है ना? का है रस खत्म हो गया था भाई क्या? और अलग से रस ये लोग मंगवाया है, ठीक है? नाश्ता का मजा लेते हुए हमारे भौकाली टीम रही छोड़ा रही कहना खर्चा हो रहा है। कितना भैया मतलब कितना कितना हुआ टोटल? 300। अच्छा 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 ठीक ठीक हो गया ना रंजन चा? का हलवा खापी करके टंच भोकाली टीम होटल से निकलते हुए, ठीक है? सबके सब मूड में आ गए भाई, मूड में आया मुर्गा। तो गाइस चलिए हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, ठीक है? अब निकलते हैं हम लोग, ठीक है, सेंटर पे। गन्ना का जूस जरूर एक बार ट्राई करेंगे पीने के लिए। हाँ पीने के लिए ना, एनर्जी आए शरीर में थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है ना अभी ये हमारे नीरज जी एक हमारे भौकाली टीम के नीरज जी हैं उनके फुआ के घर में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्यों नेपाल में थोड़ा अभी चलान वलान का दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग यहाँ इनके रिलेशन में अपना इंडियन गाड़ी जो है वो रख देते हैं, ठीक? और इंडियन गाड़ी यहाँ पे रखते हैं और ये नीरज जी का फुआ का घर है और इधर हमारे भौकाली टीम के सभी लोग। हेलो भाई चिल करो ब्रो, आओ बाबू आप बिहारी ऐसे करवो तो काम चली। हाँ तो चलिए गाड़ी रखते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं भाई। ओके तो गाइस फाइनली हम लोग गाड़िया रखने मतलब सॉरी गाड़ी रखने के बाद, ठीक है, और जो है कि हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं सभी टीम है और उधर सड़क है, ठीक, और वो ईटा भट्टा है जो कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, अभी देख लीजिए और जाके क्या पिंडू भैया। हाँ जी बहुत बढ़िया भट्टा है यहाँ, ईटा पकता है ऐसा कि घरे कभी नहीं टूटता, भूकंप आया आंधी आया ज्वालामुखी फटे कुछ हो नहीं करेगा, आपका विश्वास नहीं तो बम फोड़ के देखिए। अभी बस आएगा उधर से बस में बैठेंगे और हम लोग डायरेक्ट पार्क में जाएंगे, पार्क में जाने के बाद वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, वीडियो शूट करने के बाद घर जाएंगे और भूल गए आगे। चलिए बस में बैठते हैं। तो गाइस एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, हम लोग अभी रोड में बस का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? सभी टीम है यहाँ पे। आप एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ देखिए ईटा लगा हुआ है रोड के साइड साइड में और हम लोग का सड़क के नीचे में जो है कि मतलब जो है कि बोरा में बालू भर करके रोड के बगल बगल में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ईट डाला गया है ताकि रोड ज़्यादा दिन तक रहे और मतलब नीचे ना इधर आए कोई भी तरह का बात नहीं। हाँ जैसे कि बाढ़ ताड़ आवे ना तो पानी नहीं घुसे रोटो में, नहीं घुसे वह बात समझ जाइए आप, ठीक है? तो गाइस बस आ गया है, ठीक है, थोड़े दूर में है, हम लोग बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं और बस को रोकते हैं और अभी बस में चढ़ के हम लोग जाएंगे भाई। एकदम बने रहिए कंटिन्यू, रुकनुस रुकनुस कैसे बोलेंगे भाई को नहीं कूदो कूदो। तो गाइस चलिए अभी बस में चढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? बाप रे बड़ा भीड़ है भाई, उल्टी ना हम करते हो, आ रहा है दिया तू भाई, वो किधर आ भी गया?
ओ भाई आराम से बस वही हो रहा है जो होना चाहिए। पंडित तो गाइस बस में बहुत ज्यादा मतलब आदमी है, ज्यादा है हम लोग बस में बैठ गए हैं, ठीक है, मतलब बैठे नहीं है, खड़ा है, जा रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग का बस रुक चुका है, ठीक है, और बस निकल रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हम सभी लोंडा यहाँ उतर गए हैं और क्या बचा। हेलो भाई, हेलो भाई, हमको बस से धक्का मारी उतारी दिया है, हमें ठीक है। और ये गोपाल फन पार्क डायरेक्ट यहीं उतरे हैं रोड से, इधर सभी लोग हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या सब डिस्कस होता है। इसे ये लोग कभी ले ना ब्लॉग। लक्ष्मी कौन है? थैंक यू। सरस्वती कौन है? ओ आइए इधर। ओ नमस्ते, ठीक ठीक भाई, बेइज्जती मत कराओ यार। हाँ कोई बात नहीं है, तो 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 इधर इधर एक गेम लड़ चलें भैया। ये मेरा सुनो, लाइन में लगो ना, ये तू तो आएगा तो क्या करना, घबराना नहीं है, ठीक है, सब सब नॉर्मल है। तो दूसरा है यार, एक मिनट रुको, इधर आइए यार, इंट्रो करो इंट्रो। हाँ तो अभी हम लोग पार्क के पास हैं, ठीक, और हम लोग जो काम से आए थे इंडिया से नेपाल, जो वीडियो शूट करना है हम लोगों को, जो स्क्रिप्टेड वीडियो है और इनके साथ होने वाला, ठीक है, ये हमारा मतलब इनका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी मंडल, तो इन्हीं के साथ शूट करेंगे। तो चलिए पार्क में चलते हैं, लोकेशन देखते हैं और सारा सिस्टम वगैरह हम लोग लगाते हैं, उसके बाद शूट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। कंटिन्यू बने रहिए, ओके। इसलिए बात करते हैं, आयन हो, क्या दिक्कत है? टिकट वाला नहीं लगा? हाँ, टोटल 9 आदमी है हम लोग, ठीक है, 9 आदमी का टिकट लेता है कि नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ टिकट ले रहे हैं क्योंकि कहीं भी एंट्री मारने से पहले परमिशन जरूरी है, ठीक है। गोपाल फन पार्क एंड रिसोर्ट, सॉरी रिसोर्ट, हाँ रिसोर्ट लिखा जाता है, रिसोर्ट बोला जाता है क्या? तो कैमरामैन कृपया करके जो बोल रहा है उस पर फोकस करे, ना कि इधर उधर फोकस करे आप, ठीक है। एक टिकट कितना रुपया लेते हैं आप? 50 रुपया नेपाली करेंसी गाइस, मतलब नेपाल का 50 रुपया, नेपाली करेंसी 50 रुपया एक आदमी का टिकट। मैंने क्या है ना कि बस से आने के बाद पसीना भी निकल रहा है, ठीक है, बाइक नहीं कि हवा लगते हुए आएगा, अंदर में बैठने का भी जगह नहीं था। फाइनली हम लोग टिकट ले चुके हैं, देख लेते हैं भाई, यहाँ देखे देखे देखे, एक मिनट, गेट पास, ये नेपाली में लिखा हुआ है, उतना समझ में नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, ओके सर, ये सर जी हमारे, ठीक है, हाथ मिला लीजिएगा। हाँ ये यहाँ के सुरक्षा कर्मी मान सकते हैं, चलिए आइए गाइस। तो एकदम देखिए तड़कता भड़कता सा एंट्री मार रहे हैं, ठीक है, हमारा भौकाली टीम भी हमारे साथ है, ठीक, पहली बार क्या है, मेरा फोटो ले जरा, हम थक चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले बैठते हैं, वाटर वगैरह पीते हैं, बिल कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पानी लेने के लिए आए हैं, ठीक है, पहले पानी लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ है, आपको बताई थी, और इसके अंदर रिजॉर्ट भी है, खाना पीना भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा से पानी का बोतल, पानी लेते हैं बाद में रिव्यू करेंगे। पानी का बोतल, मिनरल वाटर, हां मिनरल वाटर बिल्कुल नहीं, वो फ्रिज वाला वाटर, फ्रिज वाला वाटर, ठंडा पानी, हां खाना वगैरह खा रहे हैं सब लोग, ठीक है, काफी अच्छा लोकेशन है यहां का, ठीक, ये इतना नॉर्मल दीजिए, अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है भाई, अभी गर्मी हमको बहुत ज्यादा लग गया, अभी और एक एक नॉर्मल ले लो ना, अभी पिएंगे, तो अभी ये पियेंगे ना, अभी आप पीजिए तो मतलब इतना गर्मी में ठंडा पानी नहीं पीजिएगा क्या? उतना ठंडा नहीं पी पाएंगे, नॉर्मल थोड़ा, थैंक यू। कितना दे दीजिए? तो नेपाल में आप देख सकते हैं ये काबेली प्रशोधित, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है नेपाली में, समझ लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है काबेली, नेपाल में शायद इसी टाइप का चलता होगा पानी, ठीक है, तो चलिए, बिस्लेरी नहीं मिलता है, बिस्लेरी इंडिया वाला नहीं मिलता, चलिए ठीक है, तो पानी ले लिए हैं, बाकी बाद में दिखाएंगे सब चीज, और भाई सर जी हमारा लूटी लखो पैसा सब खत्म कैसे लखो, मैं मरीज हूं, है टका नहीं बचलो, हम लोग गरीब आ गलियो गाइस, आप लोग यार सपोर्ट करो यार, बहुत परेशान होते हैं हम इस चीज में, देखा हमार लगता 3000 टका लगन, 3 पैसा आपने जी कि हमरा चंदा देबो, हमरा उम्मीद छै, देखो भाई की ये बात याद रखो यार, स्कैनर डॉलर में, डॉलर में, डॉलर सुनो डॉलर स्कैनर तो भेज दो पिंटू भाई का, बेसी नेग्रा में कहियो हमरा खाली भेजियो, ठीक है। तो गाइस चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, एकदम पार्क का नजारा है, हम उतना ए राजा अभी नहीं, हमको लूट लिया भाई, काम से आए हैं उसको शूट करेंगे और दिखाएंगे भी प्रयास कसम से भाई, हम मर जाएंगे क्या बोल भाई। तो सबसे पहले आपको हम अपना टीम से थोड़ा मिलवा देते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पार्क में एंट्री कर लिए हैं ब्लॉग मतलब सॉरी वीडियो बनाने के लिए, जो हम लोग
जो चीज के लिए आए थे। तो ये है लक्ष्मी मंडल जो कि हमारे टीम का है, ये नेपाल की रहने वाली है, और इनकी सिस्टर ये सरस्वती मंडल, ये भी नेपाल की है दोनों, ठीक है। उसके बाद हम इनको मिलवा देते हैं, सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है पिंटू कुमार मंडल, ठीक। नमस्ते, नमस्ते। पिंटू कुमार मंडल है, ये हमारे टीम का मतलब मैनेजमेंट लीडर समझ लीजिए इसको, ठीक। और आइए यहाँ पे, ये नीरज जी, नीरज कुमार, ठीक है। सरस्वती जी आप इधर आइए ना, कैमरा ऑन कैमरा आइए, ठीक है। ये है नीरज जी, ये हमारे टीम का मतलब ऐसे गार्जियन हम बोल सकते हैं, ये टीम का एक्टर ही है, मतलब गार्जियन रूप में है, सबको मैनेज करता है कोई इधर उधर, तो गार्जियन के समान जैसे कि होना चाहिए माता पिता के समान, वो है ये, ठीक है। उसके बाद रंजन चाहिए इधर आइए, ये मुखिया जी हैं, और ये है प्रिय रंजन कुमार मंडल, ठीक है, प्रिय रंजन कुमार मंडल, और ये भी है हमारे टीम का गार्जियन रूप ही समझ लीजिए, एक्टर भी है, एक्ट भी करता है हम लोग की टीम के साथ, और ये गार्जियन, ये दोनों को गार्जियन बना के रखे हैं, कोई दिक्कत होगा लड़का में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मैनेज करता है, ठीक है। और बाकी सारे भाई इधर आइए आप, ये समझ लीजिए कैमरामैन भी है, इसका नाम है मोहम्मद सालिम खान, ठीक है। ये कैमरामैन भी है और एक्टर है, प्रॉपर एक्टर है, कैमरा पीछे कम रहता है, एक्टर के पीछे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और सौरभ जी एक मिनट आइए, आइए ना, सबसे मिलवाना जरूरी है, सबको बोले थे ना मिलवाएंगे आपको। तो ये है सौरभ कुमार मंडल, ठीक है, सीरियस में देख रहे हैं ना आप लोग, सौरभ कुमार मंडल है, और इनका भी घर हम लोग के पास है, और ये मतलब पर्सनली कैमरा के लिए है, पर्सनली कैमरा के लिए, ठीक है ना, सब कुछ देख लिया ना। उसके बाद गोविंद जी बच गया, आइए गोविंद जी यहाँ पे, और ये है गोविंद कुमार गोविंद रॉय, गोविंद रॉय इसको तो आपको बताना चाहेंगे, गोविंद का ये मतलब दोस्त वगैरह है, ठीक है, तो इनको ये पहले से जानते थे, इनको सबसे मिलवाना था तो सबसे मिलवा दिए हैं, और हम लोग अब वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखाएंगे भी, ओके। वहाँ पे कुछ यार तो हम लोग से पैसा मांगेंगे वीडियो शूट करने का, ऐसा थोड़ी होता है, बिल देगा नहीं लेता है, तजपाल तुम शांत रहो, एक मिनट रहेगा देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम शांत रहो हम देख लेंगे, क्या हुआ सर जी, रुकिए ना, कुछ कर थोड़ी रहे अभी, नियम क्या नियम, अलग से क्या बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों अभी हम एक पार्क के अंदर एक खाने का जगह था, वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। मैटर क्या है ना कि आपको हम वीडियो वगैरह नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग वीडियो शूट ही नहीं किए पार्क में आने के बाद। एक तो जैसे हम लोग कैमरा वगैरह ओपन किए, ओपन करने के बाद जो यहाँ का पार्क का ऑनर है ना, वो उन्होंने बताया कि आपको अलग से पे करना होगा, तो कैमरा का चार्ज अलग से पे करना होगा। तो बोला मैंने ठीक है पे कर देंगे, तो मैं पे करने के लिए भी गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना कि पे कर देता लेकिन पार्क में कुछ लोग पहले से जो आए हुए थे वो लोग पिकनिक मना रहे थे, साथ में डीजे वगैरह गाना वगैरह बजता था, तो हम लोगों का जो वीडियो है स्क्रिप्टेड वीडियो वो शूट नहीं हो पाता, तो शूट नहीं हो पाता तो वीडियो खराब हो जाता, सारा मेहनत बर्बाद हो जाता, एक महीने का स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वो भी बर्बाद हो जाता, इसलिए हमने वीडियो शूट नहीं किया। हम लोगों ने फाइनल डिसीजन किया कि हम लोग वीडियो यहाँ पे शूट नहीं करेंगे, तो अब जहाँ करेंगे अगला लोकेशन क्या है सारा डिसीजन हो गया है, अब जब जाएंगे उस लोकेशन में, जब जाने का प्लान है वो तारीख भी हम लोग का डिसीजन हो गया है, जब जाएंगे तब वहाँ का सीन आपको दिखाएंगे। फिलहाल में हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिए, और पार्क कोई खास नहीं था भाई, हम लोग मिस्टेक से आ गए, ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए घर पे, और ये दोनों साथ में हमारा जो कि आप नेपाल की है तो आप जानते हैं, शुरू में आपको बताए थे, तो इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सारा टीम इमोशनल हो गया हमारा, जो भी भोकाली टीम है सबको दुख हुआ काफ़ी ज़्यादा, सबसे भी बात करवाएंगे अभी आपको, और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, और अभी फिर इधर जो कि स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, वीडियो शूट नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ठीक है, आवाज़ वगैरह होते रहता है, ये पार्क नहीं है यार, कबाड़ा खाना इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ यहाँ पे। पिंडू भैया मेन क्या है ना दोस्तों कि देखिए यहाँ पे अचानक आवाज वगैरह होते रहता था, हम लोगों ने यहाँ रिसर्च नहीं किया, पूरा लोकेशन खराब है, जगह भी खराब है, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, छोटा सा पार्क है, मिस्टेक से हम लोग यहाँ पे जो कि आ गए हैं, हम यहाँ का रिव्यू भी नहीं किया, आप लोगों को दिखाया भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ का सिस्टम इतना खराब है ना कि क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, हम मन भी नहीं किया यहाँ घूमने का, घूमे भी नहीं है, हम लोग को भूख लगा, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे, बाकी ये लोग को भी घर छोड़ देंगे, ठीक है, तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। तो गाइस अभी हम लोग वेट में है, यहाँ वेटिंग भी ज्यादा है, क्या होगा बड़ा गरीबी स्थिति में, पैसा नहीं, ठीक है, एक प्लेट हम ककरा का रखिए, इसे बता दो तू, इधर आदमी देखिए, आदमी देखिए सालिम भाई, नीरज जी, आ एक मिनट, इधर देखिए आदमी देखिए, ठीक है,
और बाकी इधर हम, ठीक है, एक प्लेट और मात्र एक प्लेट मंगवाए कहा कि हम लोग के पास पैसे नहीं। अरे भाई ऐसा बात नहीं है, मीटिंग चल रहा है सर जी, आ रहा है, ये मदद करवा दे हमें, स्कैनर देश क्यू आर कोड पे भेजी दे, बढ़िया आदमी बहुत भेजी देबो, इसके इसके उम्मीद छ तो दरवाजा में निकल, क्यूआर कोड शो हो रहा है, क्यूआर कोड शो हो रहा है, वैसे ना दखला नहीं है बस भेजी दो, ई बात उम्मीद छ तोरा से। ए भाई गोड लागो ऑडियंस के रखने का गोड लागो छ भाई, प्यार पकड़े छ हम, ऐसा करते हैं ऐसे, सुनिए एक बार, तो की बोलता है पिंटू भैया, यहाँ गेट पे बैठा देते हैं कटोरा लेके, यहाँ पार्टी लाइन में बैठी जिसमें नहीं होगा, यहाँ पार्टी लाइन बढ़िया हो जाएगा, हो जाएगा तो दोस्तों इधर फाइनली सबका देखिए चौमिन आ गया है, ठीक है, और इधर है लक्ष्मी, पानी बोतल गोविंद, सब लोग जो है कि खा रहे हैं, ठीक है, इधर सालिम भाई हमारा, ठीक, और इधर हम, ठीक है, हम भी नाश्ता कर रहे हैं भाई, पानी बोतल, पिंटू भैया वह पानी लेने दो, पहले पानी लेने गया है पिंटू भैया, ठीक है, तो टेस्टी है खाना, तो भाई ठीक लगा, बाकी सब व्यवस्था यहाँ का गड़बड़ है क्या गोविंद, खाना थोड़ा ठीक, पानी बोतल देख, हाँ टेस्टी बनाया है गाइस, ठीक है, बाकी सब व्यवस्था ठंडे दीजिए। पिंटू भैया क्या हाल है, फट गया दोस्तों का है कि फर्स्ट बार मिर्ची आ गया मुंह में, तो गाइस फाइनली हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए, ठीक है, और अभी आए हैं काउंटर पे बिल लेने के लिए, तो देखते हैं कितना का क्या हुआ, ठीक, यहाँ अंकल जी हैं और दुकान कुछ इस तरीके से है, मोरू कितना हुआ, मोरू ये जोड़े 1115, मोरू हां मोरू 1115, थैंक यू बहुत अच्छा लगा मिलके, और आपके यहाँ का खाना बहुत जबरदस्त था, मानना पड़ेगा, बहुत टेस्टी लगा।